बात करें यहाँ से अगर ग्वार कॉम्प्लेक्स की, तो देख रहे हैं कि ग्वार गम का नवंबर वायदा 11,482 पर कारोबार कर रहा है 3.5% की तेजी के साथ, और ग्वार सीड का नवंबर वायदा 6,343 पर है 2% की तेजी के साथ। देख रहे हैं कि ग्वार कॉम्प्लेक्स आज भी एक अच्छी खासी तेजी के साथ कारोबार करता हुआ नजर आ रहा है। दरअसल कच्चे तेल की कीमतों में तेजी बनती हुई नजर आ रही है काफी अच्छी खासी। ओवरऑल जो वैश्विक स्तर पर कच्चे तेल की मांग निकल के सामने आई है, जिसकी वजह से ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है कहीं ना कहीं। और दूसरा, इस बार ग्वार का जो उत्पादन है कम रह सकता है पिछले साल के मुकाबले, लगभग आधा, लगभग 50-60% तक कम रह सकता है इस बार ग्वार का उत्पादन, क्योंकि इस बार ग्वार की बुआई के समय बारिश ज़्यादा देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बुआई नहीं हो पाई और ग्वार की कीमतों में अभी तेजी का रुख देखने को मिल रहा है। दूसरा, अभी ग्वार का जो पहले का जो स्टॉक था, जो सालों से किसानों के पास, व्यापारी के पास रखा हुआ था, वो अब इस्तेमाल में आने लगा है। अब धीरे धीरे करके स्टॉक खपने लगा है, क्योंकि इंडस्ट्रियल डिमांड थोड़ी ज़्यादा निकल रही है। अभी ग्वार की इंडस्ट्रियल डिमांड ठीक ठाक देखने को मिल रही है। और दूसरा, ग्वार का जो एक्सपोर्ट है उसमें थोड़ी हल्की सी नरमी देखने को मिली है, क्योंकि भारत के अंदर ग्वार की कीमतें ऊँची देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से ऊँची कीमतों पर एक्सपोर्ट थोड़ा कम देखने को मिला है। लेकिन इंडस्ट्रियल डिमांड भारत की ग्वार की ठीक ठाक देखने को मिल रही है, जिसकी वजह से, और जो इम्पॉर्टेंट फैक्टर है ग्वार में अभी तेजी का, वो है आपका कच्चे तेल की कीमतों में तेजी आना। तो कच्चे तेल की कीमतों में जब तक अभी तेजी आती रहेगी, ग्वार की कीमतों को सपोर्ट मिलता रहेगा। और जानकार अब यहाँ से बता रहे हैं कि ग्वार अगर 12,000 का लेवल टच कर लेता है तो ग्वार गम 12,000 के पार भी जाता हुआ नजर आ सकता है, और वहीं ग्वार सीड में भी 6,500 के लेवल्स देखने को मिल सकते हैं। तो ओवरऑल रुझान ग्वार गम और ग्वार सीड में अभी तेजी वाला देखने को मिल सकता है।